मेरी एक चाल। वाह। चचा, कुछ लोन मिल सकता है? कल बैंक खुलते ही आपको मिल जाएंगे पैसे। अभी ये गिल्ली डंडे का खेल नहीं है, रोकड़ा खत्म हो गया तो जाओ खा। एक मिनट। ये एक हीरा 2-2 लाख का है। चार लाख। क्या कहा था तुमने? ये गिल्ली डंडे का खेल नहीं, ये 10 रुपया। रिक्शा पकड़ो, घर जाओ, बच्चों के साथ गोटियां खेलना, जुआ खेलता है। उठे। ठहरो, पैक करने की जरूरत नहीं है, ये बाजी अब हम खेलेंगे। तुम्हारे जितने पैसे लगे हैं तुमको मिल जाएंगे। हाँ, तो क्या चाल चली आपने? 2 हीरे, मेरा मतलब 4 लाख। ये हीरे इसके पास। ये हीरे भी 2-2 लाख के हैं। ये रही मेरी 8 लाख की चाल। मामू, ये हीरे डायमंड ही है ना? शट अप। शराफत तो सर के चेहरे से लटक रही है, टपक रही है। आपकी मुछें देखकर पता चलता है कि आप चीटर नहीं। अब 8 नहीं बल्कि 16 की चाल है। 16? 16? हाँ, 16। 16। शो बोला, शो बोला। आप सुने नहीं? हाँ। ऐसा प्रॉब्लम नहीं है, नहीं। बोला शो। गुलाम, ये दूसरा गुलाम और ये तीसरा गुलाम। तीसरा बादशाह कहां से आया? बादशाह के पास बादशाह नहीं आएगा तो क्या गुलाम आएगा? ए, इसका तीसरा पत्ता बादशाह नहीं, चक्का था। मैंने तेरे चश्मे में देखा है। ओ, 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 चश्मा। रामलाल साहब को चश्मा दिखाओ। इसमें देखा होगा, इन्हें कहते हैं कैसीनो चश्मा। अगर आपको ऑर्डर देना है तो एनी टाइम, मैं तो दुकान लेके घूमता हूँ। तो तुम लोगों ने मुझे बेवकूफ बनाया? हमने आपको बेवकूफ कहां बनाया, आप तो हैं बेवकूफ। चलो रामलाल। कभी मानिक चंद का नाम सुना है? हाँ, रोज खा के थूकते। नहीं। हाँ, सुना है भाई साहब, भाई साहब। हाँ। ये आप तो नीचे कर लीजिए ना, प्लीज प्लीज नीचे कर लीजिए। हम ये भाईचारे से बात कर लेते हैं, ये पैसा आप ले लीजिए। मैं तो कहता हूँ मेरी घड़ी भी आप ले लीजिए, बहुत अच्छी है। मेरी ऐनक भी आप ले लीजिए। आप तो, मैं कहता हूँ मेरे सारे के सारे कपड़े भी ले लीजिए आप। चलती कम है, वो चलती ज्यादा है। मैं इसको अंदर रख लेता हूँ, ओके। लेकिन एक बात है, क्या हुआ? ये उंगली है। अरे आप लोग खाम का हाथ ऊपर कर रहे हैं। नीचे कीजिए, नीचे। रिलैक्स, लाइक प्लीज रिलैक्स। ये सिर्फ उछलती नहीं, चलती भी है। चलो रामलाल, पैसे उठाओ। कम ऑन। सेठ जी, आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, आपके हीरे आपको जरूर मिल जाएंगे। मुझे दे दिया।
एक मिनट रुक जा। चचा शाबाश लाओ इन्हें। हाँ ये लो मामू। चचा अपने आदमी है। इसका मतलब तुम सब मिले रहो। सॉरी मॉर्निंग चंद। साले जीजा ये क्या हो रहा है? हीरो का क्या हुआ? जीजा मैं उन्हें जुए में डबल करने गया था। फिर वो बादशाह नाम के जुआरी ने मुझे बेवकूफ बना के वो हीरे मुझसे जीत लिए। क्या बेवकूफ? बादशाह जुआरी नहीं है, जासूस है। मैंने जो हीरे चुराए थे उसको वापस लाने का कॉन्ट्रैक्ट सेठ ने बादशाह को दिया था। जीजू आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, यहाँ से बादशाह तो क्या परिंदा भी बाहर नहीं जा सकता। वो हमारे पीछे है बॉस। वो तो पुतला है। पुतला नहीं उसका चेहरा देखो। चेहरा क्या बॉस? उसकी मुंडी भी नहीं है। उसकी मुंडी है। मुंडी नहीं है बॉस। अरे उसकी मुंडी है। मुंडी नहीं है बॉस। बॉस अब पगला गए बॉस। कभी तुमको मुंडी नहीं दिया। आपको टीवी में दिखता है। हमको काम नहीं कर रहा बॉस। तुम मारते हो। कहाँ जाके खेती कर रहे हो? बाचूर मारी अभी। इधर है। हेलो पुलिस स्टेशन। हाय बाय कुत्ते जी। आप तो जानते हैं कि मैं आपसे और आप आपकी सारी बिरादरी से कितना डरता हूँ। एक मिनट। आपके एक गिने से पहले ही मिस्टर बादशाह आ जाएंगे। आ गए। सॉरी महेंद्र सेठ, मैं 5 सेकंड पहले ही आ गया। ये लीजिए आपके 80 लाख के हीरे। थैंक यू। और ये रहे आपके 50 लाख कैश। थैंक यू वन सेकंड बादशाह। इट्स ऑल राइट। ये मेरे चीफ असिस्टेंट मिस्टर रामलाल। हेलो। ये कल आपके पास पहुंच जाएंगे। मेरे फीस के पैसे इनको दे दीजिएगा। ओके लेट्स गो। And ramification of the constitutional ambiguity and the judicial paradoxical position can be a verbal turmoil. He's right. अरे खर्चे की चिंता तुम मत करो। तुम्हारा हस्बैंड गणपत राय मेरा दोस्त था और बादशाह ने मेरे को टेलीफोन पर सब तकलीफ बताया है। नहीं नहीं मुझे ऑपरेशन नहीं कराना, मुझे सब दिखाई देता है। थैंक यू। वो बादशाह है ना, इतना छोटा था ना तभी मैंने उसको देखा था। अभी तो बड़ा हो गया होगा ना। किधर मिलेगा वो? वो इस वक्त ऑफिस में है।
किधर है उसका ऑफिस? वो बाजू में गली है ना, वहाँ नहीं जाना। अच्छा। उसके सामने एक और गली है, वहाँ भी नहीं जाना। अच्छा। फिर थोड़ा आगे जाके उसके सीधे हाथ में एक और गली है। अच्छा। वहाँ भी नहीं जाना। समझ गया समझ गया, किधर भी नहीं जाने का। मैं ढूंढ लेगा बादशाह को। साहब जी आटलो मोटो सामान बच में रखो। कौन था ये अंधा? आंखों के बहुत बड़े डॉक्टर हैं। मरी गयो रे, बादशाह को ढूंढने का बहुत डिफिकल्ट काम है। कहिए भाई साहब, कैसे आना हुआ? आपके लाडले बादशाह की वजह से। देखिए भाभी जी, आपके पति गणपत राखी में बहुत इज्जत करता था, हमारे पुलिस डिपार्टमेंट में उनका बहुत नाम था, और इसीलिए चुप बैठा हूँ, वरना उसकी डिटेक्टिव एजेंसी का लाइसेंस कैंसिल करा देता। हमारे डिपार्टमेंट के नाक में दम कर रखा है उस लड़के ने। खाली बैग। रामलाल, पैसे कहाँ हैं? गिरा दिए क्या? डूब गए। कैसे कैसे? बताता हूँ कैसे डूब गए। जुए का टेबल तोड़ा, 10,000 रुपए चुकाया। दो कुर्सियां तोड़ी, 2,000 रुपए। 12,000 रुपए हुए ना बाकी। दो कट ग्लास के एस्ट्रे, 900 रुपए। 12,900 बाकी। और झूमर, 20,000 रुपए। 32,900 बाकी। गुलदस्ते और छोटी मोटी चीजें 1,000 रुपए। हाँ तो यार 33,900 बाकी। बाकी वो जो सुपरमैन की तरह डाइव मार के निकल गया था ना कांच तोड़ के, वो इम्पोर्टेड कांच था, 15,500 रुपए भर के आ रहा हूँ। ओहो, इतना कीमती कांच तोड़ के नीचे आने की क्या जरूरत थी? सीधे सीढ़ी से नहीं आ सकते यार, मुझे कोई शौक है कांच तोड़ने का, मेरे पीछे कुत्ता पड़ा हुआ था। तू गाना गा लेता। लेकिन रामलाल, फिर भी 600 रुपए तो बचे होंगे ना यार। 600 रुपए? ये मेरी हालत देख रहे हो? क्यों नंगा आने वाला था यहाँ? 500 रुपए कपड़ों का भाड़ा देकर आ रहा हूँ, ये 100 रुपए बचे हैं, इसे संभाल के रख लो। कोई बात नहीं, फिक्र करने की जरूरत नहीं है। बताओ क्यों? क्योंकि आज के अखबार में जो हमारे कारनामों की तारीफ छपी है, उसे जब ये लोग पढ़ेंगे तो हमारे ऑफिस के सामने कस्टमरों की लाइन लग जाएगी। लग गई लग गई लग गई।